नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक अवस्थी और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो उसकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ देखेंगे, तो क्लास 1 से क्लास 5 तक का जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपका जो जनरल पेपर है उसमें, तो उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ किया है वो गया है 67, उर्दू में है 54 और बांग्ला में है आपका 62। बाकी भी जो आपकी कैटेगरी है आप देख सकते हैं, सबकी जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। अगर इसके अलावा हम बात करें क्लास 9 और 10, तो क्लास 9 और 10 का जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम लोग अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो हिंदी जो है, हिंदी में जो ये कट ऑफ गई है वो है 55, बंगाली में गई है 52, उर्दू में है 58, संस्कृत में है 67, अरेबिक में है 47, पर्सियन में है 50, इंग्लिश में है 59, साइंस में है 50, मैथमेटिक्स में है 72 और सोशल साइंस में है आपकी 74। इसके अलावा भी जो अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप NA बहुत जगह देख रहे होंगे, कई जगह पर NA लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि NA का अर्थ जो है वो क्या है और ये आखिर क्यों लिख कर आ रहा है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप 11 और 12 की कट ऑफ देखेंगे तो वहां पर भी आपकी, अगर जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें तो हिंदी, हिंदी में जो है 39 है, उर्दू में 42 है, इंग्लिश में 61 है, संस्कृत में 41 है, बंगाली में 66 है, मैथिली में 39 है, अरेबिक में NA है, पर्सियन में 53 है, पाली में 57 है, प्राकृत में 39 है, मैथमेटिक्स में 53 है, फिजिक्स में 39 है और इसके अलावा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में जो है वो है आपकी 39। ठीक है, केमिस्ट्री में कितनी है, केमिस्ट्री में 39 है, इकोनॉमिक्स में 44 है, ज्योग्राफी में 40, साइकोलॉजी में 39, सोशोलॉजी में 39, फिलोसफी में 39, पॉलिटिकल साइंस में 39, होम साइंस 40, बॉटनी 39, जियोलॉजी 57, अकाउंटेंसी 65, बिजनेस स्टडीज 61, इंटरप्रेन्योरशिप 40, कंप्यूटर साइंस 63, हिस्ट्री 70, म्यूजिक 39, मगही 66 और भोजपुरी 58। तो अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो क्या रहे हैं, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके इसका पीडीएफ जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आयोग की तरफ से यहां पर एक नोट भी दिया गया है कि NA का अर्थ ये है कि उस कैटेगरी में जो अभ्यर्थी हैं वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटे के कट ऑफ अंक प्राप्त हुए हैं लेकिन उनका जो रोल नंबर है वो सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की जो लिस्ट है उसमें अगर नहीं आया है तो इसका जो रीजन है वो ये है कि जो आपका रिटर्न एग्जाम था उसमें जो आपके कुल जो प्राप्तांक हैं वो एक समान होने की स्थिति में पहले उम्र और उम्र भी यानी कि जो एज है वो भी अगर सेम है तो फिर जो इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, तो जो देवनागरी लिपि है आपकी, सॉरी, जो आपकी देवनागरी लिपि है तो उसमें वर्णमाला के अनुसार नाम वाले जो उम्मीदवार हैं उनको वरीयता दी गई है। तो यानी कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो सेम है तो पहले जो एज है और एज भी अगर जो है वो कॉमन है तो फिर जो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम आएगा तो उस उम्मीदवार को, उस कैंडिडेट को जो है वो वरीयता दी गई है, उनका नाम वहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटे के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं लेकिन उनके द्वारा समर्पित जो दस्तावेज हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें कोई विसंगति पाई गई, कुछ यानी कि उसमें चीजें मैच नहीं हुई या फिर वो अयोग्य पाए गए किसी डॉक्यूमेंट को ना पेश करने की वजह से, तो फिर अथवा जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है उसमें उनको जो है अर्थांक अंक नहीं प्राप्त हुए तो इस वजह से परीक्षा फल में उनको भी सफल घोषित नहीं किया गया है। तो ये जो है देख सकते हैं पूरा कंप्लीट कट ऑफ लिस्ट है और आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, आपने प्राइमरी में या फिर आपने जो है किस कैटेगरी में जो है अप्लाई किया था तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता हूँ, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी टीचिंग सुपर पैक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया है। आपको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 31 अक्टूबर तक। जी हाँ, आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे टीचिंग कैटेगरी में जो है वो पढ़ाता हूँ, मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSSB, BPSC, इवन कोई भी टीचिंग एग्जाम, और अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 31 अक्टूबर तक तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वन ईयर की फीस की तो जो वन ईयर की फीस है वो है 3499, सिक्स मंथ की जो फीस है वो है 3199, लेकिन अगर इसमें अप्लाई कर देंगे आप मेरा रेफरल कोड AARGLIVE तो आपको मिल जाएगा 25% का डिस्काउंट। और ये जो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपका कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं उस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं।
हैं। अगर आप चाहिए पर्टिकुलर किसी एक बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप स्टोर पर जाकर पर्टिकुलर किसी एक बैच का भी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू और गुड नाइट सभी लोगों को।